हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आई जे एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ आवर टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन सो आई जे में जो आपका आगे पेपर होने वाला है तो उससे रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से सो लेट्स डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन जो पहले आए हैं और जैसे अब आ सकते हैं उस टॉपिक में से सो so, ट्रांसपोर्टेशन जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने पढ़ा था प्लांट और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस सो क्वेश्चन फर्स्ट आता है हमारा सीड्स ट्रैप्ड इन सर्विसेज ऑफ रॉक्स सोक इन वाटर स्वेल एंड कॉज फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक द प्रोसेस इनवॉल्व इज टर्म्ड एज वॉट सो बेसिकली जो सीड ट्रैप हो जाते हैं हमारे फिजर्स uh, में या फिर जो एक नैरो कैविटीज बन जाती हैं हमारे किसी भी रॉक uh, में ठीक है तो बेसिकली सर्विसेज आर फिजर्स सो वी कैन राइट सर्विसेज आर बेसिकली फिजर्स या फिर हम बोल सकते हैं okay, so, uh, that, जो है, हमारा वो एब्सॉर्व करेगा वाटर को सो इट विल स्टार्ट स्वेलिंग अप वो स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे वो स्वेल होगा तो वो सर्विसेज जो है uh, हमारे रॉक के अंदर उनका भी साइज बड़ा होगा ठीक है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बेसिकली इम ये प्रोसेस क्या क्या इम्बाइबेशन क्या लाएगा.

एच टू ओ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ओके एंड टेंडल इफेक्टल इफेक्ट इज बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट इज बेसिकली रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन द मीडियम जो भी पार्टिकल्स uh, होते हैं हमारे मीडियम में बाय पार्टिकल्स इन द रिस्पेक्टिव मीडियम अब वो पार्टिकल्स डस्ट हो सकते हैं स्मोक हो सकता है एनीथिंग इट कैन भी ठीक है एंड वॉटर पोटेंशियल इज बेसिकली एनर्जी

फॉलोइंगीरो तो होगा ठीक है तो ए है टर्गर प्रेशर बी है वॉल प्रेशर सी इज सक्शन प्रेशर एंड डी इज ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेल जो है वो पूरी तरीके से टर्जेड है हमारा मीन्स पूरी तरह से स्वेल अप कंडीशन में है प्रेशर लग रहा है इसके वॉल पे हर तरफ से ठीक है स्वेल्ड अप है पूरी तरीके से तो ऑब्वियसली

इसकी फुल फॉर्म क्या होगी डिफ्यूजन प्रेशर uh, इसका फॉर्मुला हमने पढ़ा था दैट इज ओपी माइनस टीपी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर और हमने इसमें पढ़ा था सक्शन प्रेशर में या फिर डीपीडी में दैट ओपी इज इक्वल टू टी पी एंड जब ओ पी टीपी के बराबर हो जाएगा तो फिर डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हमारा सक्शन प्रेशर है ओके नेक्स्ट और देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसने ऑस्मोसिस किया है अपने अंदर पानी वाटर लिया है बेसिकली सेल ने तभी तो वो टर्जेड हुआ है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो नहीं हो सकता सो so, ओवरऑल अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या होगा दैट इज सक्शन प्रेशर तो सक्शन प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर ये क्या होगा हमारा इस टाइम जीरो होगा और बाकी सब कुछ ना कुछ उनकी क्वांटिटी होगी सो आंसर विल बी सक्शन प्रेशर ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें सो हेअर कम्स बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस डिपिक्ट फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन में से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो होता है तो आपको करेक्टली सिक्वेंसड आपको जो डायग्राम है उसे सेलेक्ट करना है तो हम देखते हैं क्या होता है जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें इस तरीके से ये हमारे हार्ट के फोर चैम्बर्स हो गए ऊपर हो गए हमारे यहाँ पे लंग्स ठीक है इसी तरह से पढ़ते हैं हम और नीचे हो जाती है हमारी बॉडी पार्ट्स ठीक है तो बेसिकली यहाँ हमारा लेफ्ट एट्रियम यहाँ हो जाता है हमारा लेफ्ट, है हमारा, आ, लेफ्ट वेंट्रिकल एक मिनट सो हेयर कम्स आवर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड हेयर कम्स आवर राइट वेंट्रिकल एंड राइट right एट्रियम सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से और लेफ्ट एट्रियम में आता है हमारा ठीक है विद द हेल्प ऑफ वॉट पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन की हेल्प से लंग से और लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड देन इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा हमारा इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से और ये जाएगा बॉडी पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ ऑटा ऑटा जो रहेगा उसकी हेल्प से बॉडी पार्ट्स में से पहुंचाया जाएगा देन कम्स बॉडी पार्ट से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम वो कहां आएगा राइट एट्रियम में आएगा विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ वेना केवा ठीक है वेना केवा से गया राइट right एट्रियम में राइट right एट्रियम से जाएगा राइट right वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां जाएगा राइट right वेंट्रिकल में और राइट right वेंट्रिकल से जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो जाएगा हमारे कहां पे लंग्स में ओके इट विल गोस टू Artery, जो की डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी एंड अगेन यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होकर ब्लड जो है वापस से पल्मनरी वेन के थ्रू और कहा आ जाएगा लेफ्ट एट्रीय में आ जाएगा एंड दिस इज हाउन से हमारे बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या होता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है बिकॉज हमारे हार्ट से दो बार ब्लड गुजरता है ठीक है एक बार ऑक्सीजनेटेड गुजरेगा और एक बार डी ऑक्सीजनेटेड गुजरेगा डबल सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम में तो अब देखते हैं कि कौन सा सही ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है तो यहाँ देख के हैं कि लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में गया तो ऑब्वियसली लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में गया है देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है देन ऑटा से बॉडी पार्ट्स में गया है एंड देन गया है राइट right एट्रियम में एंड देन राइट वेंट्रिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल से लंग्स सो so, बिल्कुल सही आंसर ए और हम देख रहे हैं कि आंसर यही करेक्ट है ठीक है उसके बाद बी भी अगर हम देखते हैं तो लंग से लाइट वेंट्रिकल में चला गया तो लंग से तो लाइट right वेंट्रिकल में नहीं जा सकता तो ये तो यही गलत हो गया दिस इज रॉन्ग ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं ऑटा टू बॉडी टिश्यू ऑटा से बॉडी टिश्यू में गया देन लेफ्ट वेंट्रिकल नो सो ये तो उल्टा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑटा से और बॉडी में पहुंचा तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है डी ऑटा टू बॉडी टिश्यूज देन लेफ्ट एट्रियम ऑटा से बॉडी डिश्यू एन देन लेफ्ट एट्री एम नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ही गलत हो गए हैं इसमें सो राइट करेक्ट आंसर इज ए तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहता है हमारा ए रहता है ठीक है इसके लिए आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ना जरूरी है तब आप इस तरह टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे एंड रिमेंबर इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कोई साइकिल फॉर्म होती है जैसे में जरूर पूछे जाएंगे ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू अबाउट वैक्सीन इसमें से क्या वैक्सीन की रिगार्डिंग ट्रू नहीं है ठीक है सो ये आई जी एस स्टेट फर्स्ट में पूछा गया था टू थाउजेंड फिफ्टीन में सो so, देखते हैं इसके लिए आपको वैक्सीनेशन या वैक्सीन के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है सो ए ऑप्शन देखते हैं क्या लिख रहा है सो सो ए इज कंटेन डेड माइक्रोबियल सेल्स और देयर सबसे पहले तो आपको वैक्सीन वैक्सीन की की जानकारी होनी जरूरी है अभी आप लोगों के कोविड आपने लगवाई होंगी लगवाई थी ना तो वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है हमारे डेड जो भी माइक्रोब के रिगार्डिंग आप वैक्सीन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट वैक्सीन ले रहे हैं या तो वो डेड फॉर्म में हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एक प्राइमरी इम्यूनिटी बनाई जा सके ताकि जब दूसरी बार आपको ओरिजिनल जब आपको इन्फेक्शन होता तो तो पहले पहले से से एंटीबॉडी आपके आपके बॉडी बॉडी में में तैयार उस उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर के के लिए पैथोजन खिलाफ अगेंस्ट ठीक है 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 सो बेसिकली या 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 इंजेक्ट किया जाता डेड माइक्रोब को फिर 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 क्या होता है वो आ, या फिर उसकी क्लोन उसके कॉपी so, तो 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 और हमें नॉट ट्रू क्वेश्चन में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि वो नॉट ट्रू पूछ रहा है या true पूछ रहा है क्योंकि आधे से क्वेश्चन तो बच्चों के इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पड़ा अगली बात समझ में सो बेसिकली वैक्सीन कंटेन करते हैं कैसे डेड माइक्रोब सेल्स को या फिर उनके पार्ट्स को ये बिल्कुल सही है वैक्सीन कंटेन एंटीबायोटिक्स नो वैक्सीन में कोई एंटीबायोटिक नहीं होता तो ये

हाउ मेनी टाइम्स वुड अ रेड ब्लड सेल पास थ्रू द हार्ट ज्यूरिंग वन कम्प्लीट साइकिल तो बेसिकली आप आर बी सी बोल लो डब्लू बी सी बोल लो प्लेटलेट बोल लो या फिर ओवरऑल ब्लड बोल लो जब हमें पता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारे फोर चैम्बर्ड हार्ट में वो टू टाइम्स होता है तो ऑब्वियसली उसके जो कंटेंट्स हैं ब्लड के अंदर वो भी टू टाइम्स ही जो है हमारे फ्लो करेंगे ब्लड ब्लड में से तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी आएगा दैट इज़ ट्वाइस ठीक है एज मतलब बहुत ईजी है ये क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सिंपल आपको कंफ्यूज नहीं होना है रेड ब्लड सेल देख के बिकॉज जब ब्लड हमें पता है कि डबल सर्कुलेशन होता है दो बार uh, हमारा हार्ट से गुजरता है ब्लड तो ऑब्वियसली उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी दो बार ही पास आउट करेंगे ब्लड से तो आंसर विल बी ट्वाइस ओके नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन लिविंग सेल इनमें से किस में लिविंग सेल नहीं है बेसिकली ठीक है तो देखते हैं बोन टिश्यू बोन टिश्यू में लिविंग सेल नहीं होता होता है मैं हमने तो पढ़ा है ऑस्टियोसाइट्स बोन टिश्यू में क्या होते हैं ऑस्टियोसाइट्स होते हैं आर लिविंग सीव सीव ट्यूब्स ट्यूब्स ओके बेसिकली जो है पार्ट है हमारे फ्लोएम का फ्लोएम का सीव ट्यूब्स क्या है पार्ट्स हैं फ्लोएम के भी अपने चार पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक है सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स ठीक है फ्लोएम पेरन फ्लोएम फ्लोएम तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार हमारे एक तो हो जाते हैं हमारे सीव ट्यूब्स फर्स्ट वन ओके वेट एक बार इसको लिख लेते हैं यहां पर सो फ्लोएम क्यों हो जाते हैं हमारे कितने पार्ट वन टू थ्री एंड फोर सो फर्स्ट वन इज शीव ट्यूब्स सेकेंड वन इज कंपेनियन सेल्स थर्ड वन इज फ्लोएम पैरन And fourth one is sclerenchyma. ठीक है ये हमारे इसके components हो जाते हैं के। तो बात हो रही है यहाँ पे सीव ट्यूब की और एक ऑप्शन भी दे रखा है तो यहाँ तो ओवरऑल बात हो रही है और यहाँ एक पर्टिकुलर सीव ट्यूब की बात हो रही है तो सीव ट्यूब की बात करें तो हमें पता है हमने पढ़ा था कि सीव ट्यूब जो है दे लैक न्यूक्लियस इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता अपनी खुद की मशीनरी नहीं होती खुद के सेल के कंपोनेंट्स को या फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए तो सीव ट्यूब्स रिमेन विद द कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल के साथ मिलकर काम करते हैं बस इसी फैक्टर की वजह से दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग सेल्स इनको क्या किया जाता है नॉन लिविंग सेल्स के तौर पे सीव ट्यूब्स को कंसीडर किया जाता है बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस एंड दे फंक्शन अलोंग विद ियन सेल्स और ओवरऑल फ्लोइम की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल फ्लोइम में तो भाई फ्लोइम पेरेंट कामा भी है कंपेनियन सेल्स में तो देआर लिविंग तो ओवरऑल फ्लोइम कैसा माना जाएगा लिविंग माना जाएगा नेक्स्ट है एपिडर्मिस एपिडर्मिस तो लिविंग होती है होती है कि नहीं होती एपिडर्मिस कोई भी हो एनिमल सेल की हो प्लांट सेल की हो इज ऑलवेज लिविंग सो आंसर क्या रहेगा हमारा बी दैट इज सीव ट्यूब्स जस्ट बिकॉज इट रिमेन्स विद

उसमें वाटर का अमाउंट कम है उसमें क्या है एच टू ओ का अमाउंट लेस है ठीक है ट्रांसपेरेशन रेट तो अब बताना है कि ट्रांसपेरेशन रेट जो है वो क्या होगी वॉट शुड बी द ट्रांसपेरेशन रेट इफ़ एटमोसफेयर में एच टू ओ कम है तो ए है डिक्रीज सबसे पहले तो देखते हैं सिंपल सी बात है कि जैसे ये हमारी लीफ है ठीक है हम अपना कंसेप्ट देखते हैं पहले उसके बाद तो ऑप्शन देखेंगे ये लीफ है इसके अंदर है हमारे मीजोफिल सेल्स ठीक है अब बाहर तो एच टू ओ कम है बाहर की तरफ कम है पर इसके जो सेल्स हैं उनमें तो क्या हो रहा है हमारा लगातार क्या, क्या प्रोसेस होता जा रहा है लगातार हमारा रेस्पिरेशन भी हो रहा है फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वाटर अंदर बन रहा है वाटर क्या है अंदर ज्यादा है अब जो मूवमेंट होता है किसी भी वाटर uh, का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इनफैक्ट चाहे ऑस्मोसिस चाहे डिफ्यूजन हो मूवमेंट uh, जो होता है हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो कहा होगा हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर है हायर कंसेंट्रेशन है लीफ सेल्स के अंदर तो ऑब्वियसली हायर से और लोअर की तरफ जाएंगे तो हायर लीव सेल से और कहां जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा ट्रांसपेरेशन रेट जो है वो हाई होगा इसका मतलब जब भी हमारा ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपेरेशन रेट क्या होगी ज्यादा होगी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो ऐसा केवल ऑप्शन सी में दे रखा है दैट इज ट्रांसपेरेशन रेट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हायर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हायर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द एयर स्पेसिस ऑफ द मीजोफिल सेल एंड द एटमोसफेयर मीजोफिल सेल के बीच में जो स्पेस uh, uh, है उसमें ज्यादा कंसनट्रेशन है वॉटर की एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर तो मीजोफिल सेल से निकल करके वॉटर कहाँ जाएगा एटमोस्फेयर में जाएगा एंड इस तरीके से जो ट्रांसपेरेशन रेट होगी

अकॉर्डिंग अगर हम इसका आंसर देखें पर्टिकुलरली ऑस्मोसिस इज फॉर वाटर तो इसका आंसर रहेगा हायर से लोअर जाएगा और हेंस इस वजह से अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इफ ह्यूमिडिटी इज लेस देन ट्रांसपेरेशन रेट इज हाई आगे बात समझ में और ये जनरल क्वेश्चन भी है अगर आप अपना जनरल दिमाग लगाएं तो भी आप सोच सकते हैं कि अगर एयर में बहुत ज्यादा वाटर है पहले से ज्यादा कंसेंट्रेशन है वाटर की एयर में तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा ट्रांसपरेशन पुल नहीं होगा इतना ज्यादा ट्रांसपरेशन रेट नहीं होगी लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है और बाकी फैक्टर ज्यादा लाइक सनलाइट ज्यादा है और विंड स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेशन रेट अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देट इज अवर लास्ट क्वेश्चन बेसिकली फ्रॉम दिस चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से सो so, फोर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि आप लोगों को देखने में शायद टिपिकल लग रहा होगा बट इट इज वेरी ईजी ठीक है बिलीव मी इट इज वेरी इजी नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन फोर डिफरेंट ह्यूमन बॉडी फ्लूड सैंपल्स वब्जेक्टेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन तो ह्यूमन बॉडी से चार सैंपल लिए गए हैं अलग अलग उनकी फिर उनमें पर्टिकुलरली एच प्लस आइन के कंसेंट्रेशन का क्वांटिफिकेशन किया गया है. मतलब कि कितना कंसनट्रेशन है उन चारों सैंपल में एच प्लस आइंस का ठीक है दैट इज़ मिली इक्वेब्रियम पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन के लिए जो यूनिट उन्होंने ली है वो क्या है मिली इक्ब्रियम पर लीटर भी है द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर एज फॉलोज तो जो रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंट के वो क्या है सैम्पल ए में वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंसिटी पावर टू यूनिट सैम्पल बी में फोर पॉइंट फाइव इंटू टेंसटी पावर माइनस फाइव यूनिट्स सैम्पल सी में वन इंटू टेंसर माइनस थ्री यूनिट्स एंड सैंपल डी में थ्री इंटू टेंसटी पावर माइनस टू यूनिट्स ये हमारे कंसनट्रेशन आए एच प्लस आई एन के चार अलग अलग सैंपल्स में ठीक है इसके बाद अब पूछा है आइडेंटिफाई द सैंपल्स इन सीक्वेंस फ्रॉम ए टू डी ए से और डी में ये चारों के अलग अलग सीक्वेंस दिए हुए हैं अलग अलग ऑप्शन में आपको पता करना है कि कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल सही है ठीक है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन में क्या रिलेशन है तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो पीएच का इससे रिलेशन क्या है इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर एच प्लस एन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो पीएच ऑब्वियसली क्या होती है कम होती है ठीक है तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा H प्लस आइन का कंसनट्रेशन यहाँ है 1.6 पॉइंट सिक्स एन टू टेन टू पावर टू सबसे ज्यादा H प्लस का कंसनट्रेशन यहाँ है मतलब ये जो भी चीज़ होगी ये जो भी सैंपल होगा ये बहुत एसिडिक होगा क्या होगा ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होगा ठीक है ये माइनस फाइव ठीक है देन माइनस थ्री एंड देन माइनस टू तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये उससे थोड़ा कम एसिडिक है ये और कम एसिडिक है एंड दिस सैंपल डी सबसे कम एसिडिक है ठीक है तो सबसे पहले तो सैंपल ये आइडेंटिफाई करते हैं सो so, सबसे ए ऑप्शन में देखें तो पहले ही निकलते ही आ गया, गया गैस्ट्रिक एस और हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टमक में फॉर्म होता है ड्यूरिंग डाइजेशन इससे ज़्यादा एसिड कुछ भी नहीं होता बॉडी में सो so, हेंस हमें ये तो पता लग गया कि सैंपल ए क्या है एच है हमारा गैस्ट्रिक एच है और गैस्ट्रिक एस का अगर हम ऑरिजिनल वैल्यू देखें तो ये रहता है हमारा वन टू थ्री 1.5 पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव पी रहती है गैस्ट्रिक एस की ठीक है अब बात करते हैं वेनियस ब्लड वेनियस ब्लड क्या होता है वेनियस ब्लड मतलब डी ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा होता है सीओ टू टू का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है किसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, में बोलो वेनियस ब्लड में जो वेन्स में बहता है ठीक है तो वेनियस ब्लड की जो कंसेंट्रेशन होगी वो भी क्या होगी एसिडिक ही होगी तो ये रहता है हमारा सैंपल बी दैट इज दू टू पावर माइनस फाइव ओरिजिनल वैल्यू रहती है वो रहती है हमारी कितनी फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट एट इसकी पी एच रहती है फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट एट पी एच अगली बात समझ में सो so, ये भी बेसिकली क्या रहेगा एसिड की रहता है थोड़ा सा एसिडिक ही रहता है बिकॉज क्या क्या रहता है कंसेंट्रेशन अच्छा खासा रहता है ब्लड में बट ये क्या है इससे थोड़े एल्कलाइन की तरफ जा रहा है ये तो बहुत एसिडिक है इससे थोड़ा की तरफ अब स्केल स्केल में जा रहा है मैं पता है हमें पता हमने पढ़ा होगा टू रहता है. ठीक है जीरो टू फोर्टीन रहता है जिसमें सेवन जो है ये न्यूट्रल है सेवन पे अगर किसी चीज का सेवन आ रहा है देन इट इज न्यूट्रल और जीरो सी और सेवन के बीच में द थिंग इज एसिडिक जो भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं वो एसिडिक है और सेवन टू फोर्टीन द थिंग इज बेसिकली बेसिक उसका क्या है बेसिक नेचर है पीएच बेसिक है आगे देखते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूड मींस इंट्रासेलर फ्लूड सेल के अंदर जो फ्लूड है साइटोप्लाज्म और वी कैन से साइटोसोल तो उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो क्या होगा उसका हमारा तो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म इंट्रासेलर फ्लूड का हम ओरिजिनल देखें तो वो रहता है हमारा सेवन पॉइंट टू टू सेवन पॉइंट फोर सेवन पॉइंट टू टू सेवन पॉइंट फोर पी एच रहता है हमारा इंटरसेलर फ्लूड का तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली नियर बेस मतलब बेसिक न्यूट्रल uh, हो जाता है हमारा क्या होता है न्यूट्रल्स और बेसिक की तरफ ही हमारा रहता है ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा सैम्पल ये इन बिटवीन माइनस फाइव व माइनस टू के इन बिटवीन यही है वन इन टू टेंस टू फाइव वो माइनस थ्री और ये भी इन बिटवीन ही है हमारा न्यूट्रल के पास ही है दैट्स वाई इंटर सेलर फ्लूड का ये इससे मैच करेगा लास्ट रह जाता है हमारा यूरिन और यूरिन का अगर हम ओरिजिनल देखें तो वो रहता है फोर पॉइंट सिक्स टू एट यूरिन का जो ओरिजिनल पीएच रहता है वो 4.628 होता है पीएच ठीक है तो और ये क्या है सैंपल डी बचा जो कि क्या है सबसे कम एसिडिक है कंपैरेटिवली बेसिक की तरफ जा रहा है तो यूरिन का जो है हमारा एट तक रह सकता है फोर पॉइंट सिक्स एट तक रह सकता है तो हैंस सबसे कम एसिडिटी में देखा जाए तो सैम्पल डी कंसाइड्स विद द यूरिन तो यहाँ आपको समझ में आया आपको सबसे पहले तो यही आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में कम्पेरेटिव स्टडी अगर आप ऑप्शन की करते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको साफ साफ आंसर दिख जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा एसिड के एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हैन्स पी एच सबसे कम होगा सबसे ज़्यादा क्या होगा सिंपल सी बात है देखिए ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि इफ़ एच प्लस आयन की कंस एच प्लस आयंस जो हैं ये ज़्यादा हैं तो पी एच क्या है कम है मतलब एसिडिटी जो है वो ज्यादा है ठीक है H+ प्लस जो हैं ये कम है मतलब पी एच ज्यादा है मतलब बेसिक नेचर क्या है हमारा ज्यादा है ठीक है पीएच ज्यादा है तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा क्या रहेगा रिलेशन रहेगा तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि भैया फर्स्ट तो हमारा गैस्ट्रिक एसियल ही होना है और सारे ऑप्शन में केवल ए में ही गैस्ट्रिक एसियल दिया हुआ है तो आगे, तो आगे तो आप ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है सीधे सा आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या है ए ही है लेकिन आपको बाकी ऑप्शन से मैच करना है कि और किसी में कहीं गैस्ट्रिक एसियल फर्स्ट नंबर पर तो नहीं है तो वहां पे फिर आगे के ऑप्शन देखना हमारा जरूरी हो जाता है अगली बात समझ में तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है आई होप आप लोगों को जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा और इस चैप्टर को आप और कंसनट्रेटली पढ़ेंगे और समझेंगे कि इससे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कितनी डिटेल स्टडी आपको करनी है सो थैंक यू वेरी मच